घरे जब देखा ले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तोहार। भूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। आथ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाने लगल के बार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले एहो दीनानाथ, बाझी के बड़वा धैले ठार। माँ शारदा को नमन करती हूँ और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत समय उनसे मुलाकात नहीं हुआ कभी भी, बहुत एक दो बार मिली हूँ। लेकिन जैसे भूपेन हजारिका जी से भी मैं कभी जिंदगी में मिली नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी का है। उसी तरह से जहाँ तक पूर्वांचल संगीत की बात है, शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर, शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत आने की गाने के लिए ही आप धरती पे उतरे थे, और देखिए छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए, ये ऐसा एक लॉस है एक्चुअली भोजपुरी या पूर्वांचली संगीत की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में, और पूर्वांचली अस्तित्व की दुनिया में, सांस्कृतिक अस्तित्व की दुनिया में, जो कभी बहुत समय है, कभी पूरा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। उस समय गीत संगीत की दुनिया में आना, उस समाज में जिस समय शायद लड़कियां घर से बाहर भी निकल के आती गाती नहीं होगी, एक तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए नियम तोड़ के, सामाजिक नियम तोड़ के आके बहुत कुछ गा के गए, संस्कार गा के गए। उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि। हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके बच्चे नबे थोड़ा बहुत अगर चलने की काबिलियत कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, कोशिश रहेगी माँ। और भोजपुरिया जो झंडा आपने ध्वजा फहराया है उसको नीचे गिरने नहीं देंगे, ये आज एक एहसास अर्पण लेके आगे चल पड़ूंगी। इस समय में, इस कठिन समय में, खासकर उनके संतान जो है उनके ऊपर दुख ऐसे टूट पड़ा है, एक ही महीने के अंतर में पिता और माता दोनों को खोना, इस भयानक समय में माता छठी मैया उनको शक्ति प्रदान करें, यही कामना कर रही हूँ।